बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों के? आज मैं बैंगन और चने बना रही हूँ, सफेद चने और बैंगन, जिसके लिए मैंने ये दो बड़े प्याज ले लिए हैं, दो बड़े टमाटर ले लिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और ये बैंगन ले लिए हैं। ये मैंने अपने बगीचे के बैंगन लिए हैं, तीन सब्ज हैं, तीन चार, और बाकी ब्लैक हैं। तो मसाले मैं बाद में बताऊंगी। और ये जो चने हैं इनको मैं तीन घंटे के लिए भिगो दूंगी। अब मैं बैंगन काट लेती हूँ। इस तरह ये बैंगन काट लेने हैं, बहुत मजे के बैंगन पकते हैं, चने और बैंगन का सालन बहुत मजेदार बन के तैयार होता है। नान रोटी और चावल के साथ भी आप खा सकती हैं। इस तरह सारे बैंगन जो है ना काट लेने। आप जैसे दिल करे आपका पीस बना सकते हैं बैंगन के। मैं इस तरह बड़े बड़े पीसों में काटूंगी। चने जो मैंने भिगो के रखे हुए थे अब इनको मैं बॉइल कर लूंगी। और ये जो बैंगन है ये भी मैंने काट लिए हैं, ये ग्रीन बैंगन जो है ये रह गया, ये भी मैं इसी तरह काट लूंगी सारे के सारे बैंगन। तो दो तीन पानी धो लूंगी बैंगनों को। ये चने मैंने गला लिए हैं, बहुत अच्छे गल के तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे गल गए हैं चने। अब मैं इनको उतार लूंगी नीचे और ये कुकर रखूंगी ऊपर। ये कुकर मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। अब इसमें मैं तीन बड़े चम्मच भर के ऑयल डाल दूंगी। और प्याज डालकर हल्का ब्राउन करूंगी। प्याज डालकर हल्का ब्राउन कर लूंगी। प्याज गोल्डन हो गई है माशाल्लाह से। अब मैं इसमें ये डाल दूंगी लहसुन और अदरक का पेस्ट और दो मिनट के लिए इसको भूनूंगी। लहसुन प्याज हो गया माशाल्लाह से जैसा मुझे चाहिए था। अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर दूंगी, इनको भी दो मिनट के लिए भूनूंगा। ये एक चम्मच भर के सुरख मिर्च पाउडर ले लिया मैंने, आधी चम्मच हल्दी और एक चम्मच भर के धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक। अब मैं ये मसाला डाल दूंगी और पांच मिनट के लिए इसको भूनूंगी। मसाला माशाल्लाह से भून लिया मैंने, मसाला बन के तैयार हो गया। अब मैं इसमें बैंगन डाल दूंगी। सारे बैंगन मैंने शामिल कर दिए हैं मसाले में, डाल दिए। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और पांच मिनट के लिए इनको अच्छे से मिक्स करूंगी और उसके बाद चने इसमें शामिल कर दूंगी। चने माशाल्लाह से गले हुए हैं, पहले भी मैंने गला लिए थे और ये जो बैंगन है ये भी पका लिए मैंने, भून लिए। अब इसमें चने शामिल कर दूंगी
और इस तरह मिक्स कर लेनी है और 10-15 मिनट के लिए दम पे रख देना है। हल्की आंच पे पकेगा ये सारा। ढक्कन बंद कर दिए 15 मिनट तक। एक दो दफा बीच में चलाऊंगी चम्मच और देखूंगी कि जैसे मुझे चाहिए उस तरह तैयार हो गई है कि नहीं। बैंगन और चने माशाल्लाह से बांध के तैयार हो गए हैं। अब मैं इनको डिश आउट करूंगी और चूल्हा करूंगी बंद। चने और बैंगन की सब्जी बांध के तैयार हो गई माशाल्लाह से। आप भी अपने घर में बनाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें।